This is PD Singh and welcome back to my channel. इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको कुछ ऐसा स्पेशल दिखाने वाला हूँ, which is gonna be lit, which is gonna be amazing. आए कहाँ पर हैं? आपने पीछे पूरा ये वाला रैक देख के समझ लिया होगा. And yes, we are at Jank's Car World. अपने साथ है कुंवर बाजी की हाल चाल, एंड ऑडियंस को एक बार हाय जरूर बोलो. हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो सारे? तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कैसे हो सारे. पाजी, इस वीडियो के लिए क्या स्पेशल होने वाला है? आज की वीडियो के लिए हमारे पास बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, और जिस गाड़ी में यूज कर रहे हैं वो है होंडा सिटी, और उसके अंदर कम्प्लीटली SQL सेटअप इंस्टॉल होने जा रहा है, जिसकी डिटेल्स हम अभी आपके साथ आगे शेयर करने वाले हैं. अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक बजट लेकर चलें तो कहां तक गैस कार का बजट? बजट की अगर हम बात करें तो ये भी वन प्लस क्या है सिर्फ कॉम्पोनेंट्स का. और okay. क्यों गया है, क्यों इतने एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स दिए, मैं सारे आज एक्सप्लेन करूंगा. प्रोडक्ट्स यहां पर आपको सारे डिस्प्ले में नजर आएंगे, बट जो आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं इट इज प्योरली SQL. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज होंडा सिटी के अंदर एक म्यूजिक सेटअप की, इस कार के अंदर हम कर रहे हैं डैम्पिंग, इसके अंदर ऑलरेडी कंप्लीटेड है डैम्पिंग. हम कर रहे हैं टू लेयर्स, इनर लेयर एंड आउटर लेयर. फोर डोर्स में प्रॉपरली ऐसे ही डैम्पिंग करी गई है. अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर एंड दिखाता हूँ कौन से कॉम्पोनेंट्स विच आर टू एक्सपेंसिव आर बींग इंस्टॉल्ड इन दिस कार, जिसकी वजह से जो इसका आउटपुट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है. सो पाजी, लेट्स बिगिन. तो बता दे फिर क्या इंस्टॉल होने जा रहा है. बिल्कुल जल्दी से. तो जैसे कि आप लोग सारे पहले वीडियोस में देख ही चुके हो कि हम जो भी इंस्टॉल करते हैं हम सारा दिखा देते हैं, बट कभी हमने स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करी है. तो जैसे कि ये प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव है और काफी महंगा है, तो हमारे को स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो आइए मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि हमारे फ्लक्स के कॉम्पोनेंट इतने एक्सपेंसिव क्यों है. तो इसमें जो हम सीरीज इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो फ्लक्स की ST261 है. तो बेसिकली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो कम्प्लीटली इन कैबिन क्वालिटी वाइज मांग रहा था कि भैया मुझे सबवूफर नहीं इंस्टॉल करना, आई वांट गुड क्वालिटी साउंड, नॉट टू हाई नॉट टू लो, अब बैलेंस आउटपुट चाहिए मुझे. बजट इज नॉट एन इशू, मुझे सिर्फ प्योर क्वालिटी चाहिए. तो अभी मैंने ये फ्लक्स का ये मॉडल सजेस्ट करा है. इसमें मेरे पास तीन सीरीज आती है वैसे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा. पहले हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. तो मिड ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बात तो मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है. इसकी खासियत ये है, ये जो सारी सैंड पेपर कोन में इसकी कोन बनी हुई है प्लस एल्यूमिनियम प्लग के साथ. तो मैक्स आरएमएस की बात करें हम तो इसकी 140 है, और ट्विटर की बात करें तो हमारा सिल्क डोम ट्विटर है. बैलेंस ट्रेबल चाहिए, साउंड ट्रैवलिंग काफी अच्छी होनी चाहिए. मैंने आपको बोला जैसे कि उनको लाउडनेस नहीं चाहिए थी, दे वांट बैलेंस आउटपुट इन कार. तो नेक्स्ट जो है इसका हमारा क्रॉसओवर है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है. एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस कंपोनेंट की कि व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव, कि इसकी जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो सारे गोल्ड प्लेटेड हैं. जैसे ये क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ये इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो आप सबको जानना जरूरी है. सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी इस वाले प्रोडक्ट के बारे में जो कि है SC261 फ्लक्स कंपोनेंट्स. एनीवेज पाजी, अभी आपने डिस्कशन करते करते बोला था कि हमारे पास दो और कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं फ्लक्स के, तो मैं चाहता हूँ एक बारी वो भी दिखा दीजिए. मैं वो भी दिखा देता हूँ. एक जो हमारी सीरीज आती है दैट इज नियो, और एक इसके बाद जो सबसे हाई एंड जो कम्प्लीटली हाई एंड हो जाती है वो दैट इज MC, एंड वो ये सीरीज है. बजट की बात करो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20,000 एंड गोज टू 1 लाख रुपीस. ओके, दिस इज फॉर 20,000. 20,000, दैट वन इज फॉर 50,000. ओके, और ये MC सीरीज है दैट इज फॉर 1 लाख रुपीस. ओके, सो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 50,000 रुपीज. एंड एग्जैक्टली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर कस्टमर इस पे स्पेंड कर रहा है और हमारे पाजी ने सजेस्ट करा है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा. और आउटपुट कैसा आने वाला है, थोड़ा सा एक आइडिया? आउटपुट बहुत अमेजिंग आउटपुट आने वाला है, वो आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा. बिल्कुल क्लियर वॉइस आने वाली है. तो ये जो अभी आपने कॉम्पोनेंट देखे दे आर सच अ ब्यूटिफुल एंड क्लासी वॉइस प्रोड्यूसिंग कॉम्पोनेंट्स. पाजी, इनको हम किससे ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि इतने अच्छे कंपोनेंट्स हैं तो ड्राइवर भी अच्छा चाहिए. तो बिल्कुल चाहिए. जो इसके लिए हम एम्पलीफिकेशन यूज कर रहे हैं वो DD ऑडियो की है, 140 RMSN की. तो मैं इसके लिए C400 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया कि कस्टमर के लिए बजट कोई इशू नहीं था,
तो ये यूज कर रहा हूँ। जैसे सबको पता है कि C400 means 100 RMS per charge, तो they need a good driver and it's one of them। बिल्कुल। सो ये वाला हम कुछ एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं। अच्छा पाजी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है पाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इसमें C4.60 इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट वुड बी द आउटपुट? देखो ड्राइव तो वो भी कर देगा बट अंडर पावर रहेगा, तो मैं देखो कस्टमर का बजट इशू नहीं है इसमें, तो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा रहा है एम्पलीफिकेशन के अंदर। बट अगर हाँ देखो, जो इस तरीके का ब्रांड पे जाता है ना, तो उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मैं नहीं मानता कि वो करेगा। बिल्कुल। तो वो सपोर्ट तो करता बट अंडर पावर है एंड इतना अच्छा आउटपुट भी ना दे पाता जितना अच्छा ये दे देगा। बिल्कुल। तो ये था कुछ सेटअप आज के लिए, और जो हम हेड यूनिट यूज कर रहे हैं वो है XAV AX5500 सोनी का। पाजी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ। एक तो ये कम्प्लीटली 7 inches डिस्प्ले है। बेसिक की बात करूं तो हमारा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ। ओके सर, जो अपनी होंडा सिटी का काम है वो हो चुका है कंप्लीट। के अंदर जो एम्पलीफायर इंस्टॉल करा गया है वो अंडर सीट रहेगा। जो स्टॉक स्पीकर की प्लेसमेंट होती है, सारे स्पीकर्स वहीं प्लेस करे गए हैं। इवन जो ट्वीटर्स होते हैं वो भी हमने स्टॉक प्लेसमेंट पर ही प्लेस करे हैं। तो पाजी ऐसा क्यों था? बिकॉज ये इसलिए करा गया क्योंकि देखो कस्टमर की जो डिमांड थी कि वो यही था कि भैया मैं कुछ भी दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं गाड़ी में क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ चलता हूँ, तो मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर। तो यही रीजन से हमने सारा जो एम्पलीफिकेशन है वो अंडर सीट रखी है, और ट्वीटर्स वगैरह हमने स्टॉक पे ही रिप्लेस करे गए हैं, यही रीजन के कारण। जो हमारा स्टीरियो है जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमने यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस कर दिया है, एंड इट इज लुकिंग वेरी गुड। इवन जो इसका डिस्प्ले है दैट इज मच बेटर देन एनी अदर ब्रांड, अगर हम कंपेयर करें तो काफी अच्छा टच एंड डिस्प्ले है इसका। ओके सो यहाँ तक तो थी बात इस पूरे सेटअप की, एंड ये वाली चीज जो आप देख रहे हो वायरिंग बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल्ड है, एंड जितनी भी वायर्स हैं वो सारी अंडरग्राउंड करी गई हैं, कुछ भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा। एनीवेज अब बात आती है कि एक बढ़िया सा आउटपुट सुना जाए इस कार के अंदर, एंड अगेन बोलना चाहूंगा इस गाड़ी का जो भी पंजाबी या हिंदी आउटपुट होगा वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल्स पर मिल जाएगा। ये आ रहे इंस्टाग्राम हैंडल स्पीडी सिंह एज वेल एज जैंक्स कार वर्ल्ड, तो आप जाकर जरूर फॉलो करें, विजिट करें, एंड वहां पर भी इंजॉय करें कि हिंदी या पंजाबी आउटपुट कैसा लगता है इन 50,000 स्पीकर्स के साथ। सुभाजी कर दिया जाए प्ले फिर। बिल्कुल कर दे। हाँ जी, ओके सो ये कुछ था आउटपुट यानी कि ऑडियो आउटपुट इस वाली गाड़ी का, डक्स के कंपोनेंट साथ में DDC 4.100 जो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा गया है विद सोनीज हेड यूनिट। तो बाजी आउटपुट तो एक नंबर था, इट वाज ए क्लास, एंड जो कंपोनेंट्स की पावर थी दैट वाज टू गुड, वेरी गुड डिलीवर्ड। फुल एंड फाइनल प्राइसिंग, प्राइसिंग जो है इसकी अगर मैं कंप्लीटली MRP की बात करूंगा तो 1,90,000 इसका पूरा सेटअप की कॉस्ट है MRP का। ओके 1,90,000, तो डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आपको ऐसा कुछ काम करवाना है गाड़ी के ऊपर विद क्वालिटी। तो ये था कुछ क्वालिटी आउटपुट आज के लिए, अब ऐसा ही बढ़िया काम करवाना है तो कहाँ पर आ सकते हैं? सबको पता है जैसे कि जैंक्स कार वर्ल्ड पे विजिट करना है अच्छे काम के लिए। बिल्कुल, एंड इट इज लोकेटेड इन करोल बाग। फोन नंबर्स 9810478 9811700800। ओके विद दिस सारी जो इन्फॉर्मेशन है जैंक्स कार वर्ल्ड की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, एवरीथिंग इज अपडेटेड। तो आज वीडियो भी मैं यहीं पर ही एंड करूंगा क्योंकि बात बहुत ज्यादा हसल पसल है, टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ, तो शोर है बात। एनीवेज अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड कमेंट करके बताना तो आपको आउटपुट कैसा लगा होंडा सिटी के अंदर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो विद दिस मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ।